वेलकम बैक टू आवर चैनल रीच माइंडसेट। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर ह्यूमन बींग के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, जैसे कि लग्जरी कार, लग्जरी हाउस, फॉरेन ट्रिप, ग्रेट लाइफस्टाइल, एक अच्छा सा बैंक बैलेंस, फ्री टाइम और गुड हेल्थ। और आपको एक फिगर बताऊं तो 95% लोग ड्रीम देख के छोड़ देते और अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाते, और वर्ल्ड में ओनली 5% लोग ही अपने ड्रीम को फुलफिल करते। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ फैक्ट एंड फिगर शेयर करना चाहता हूं इंडिया से रिलेटेड। इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 135 करोड़, जिसमें से 45-48% मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, 52-55% पुअर क्लास कैटेगरी में आते हैं, और ओनली 3% लोग रिच कैटेगरी में आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि रिच कैटेगरी में कितने कम लोग आते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। आपको जान के हैरानी होगी कि वर्ल्ड के 95% लोगों के पास वर्ल्ड का ओनली 5% पैसा है, और वर्ल्ड के 5% लोगों के पास वर्ल्ड का 95% पैसा है। मतलब दुनिया में जो 95% लोग हैं, उनके पास दुनिया का बस 5% पैसा है, और वो उसी 5% पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। और दुनिया के 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है, जिसमें सारे अल्ट्रा रिच पीपल आते हैं, जैसे कि वॉरेन बफे हो गए, बिल गेट्स हो गए, जैक मा हो गए, जेफ बेजोस हो गए। इंडिया की बात करें तो टाटा, अंबानी, बिरला हो गए। ये दुनिया के ऐसे अल्ट्रा रिच पीपल है जो 5% लोगों की कैटेगरी में आते हैं, और इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। तो आप सोच सकते हो कि जो मेजोरिटी के 95% पीपल है, वो दुनिया के मात्र 5% पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। अब मैं आप सभी को कैश फ्लो क्वाड्रेंट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आप सभी ने रिच डेड पुअर डेड का नाम तो सुना होगा, जो कि हाईएस्ट सेलिंग बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की। उन्होंने अपनी बुक में एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसको बोलते EBSI मॉडल, डिस्कस किया है, जिसमें उन्होंने दुनिया में जितने भी लोग पैसे कमाते हैं उनको 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। उसमें से पहली कैटेगरी एम्प्लॉय। आप सभी को ऑलरेडी पता है कि एम्प्लॉय क्या होता है। एक पर्टिकुलर पर्सन या तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, वो बैंक में जॉब कर सकता है, वो प्राइवेट जॉब कर सकता है, वो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है। तो ये सारी कैटेगरी में आते हैं एम्प्लॉय। इनके ऊपर एक पर्टिकुलर बॉस होता है जो इनको इंस्ट्रक्शन देता है, जो इनको गवर्न करता है, जो इनको डायरेक्शन देता है कि आपको किस डायरेक्शन में वर्क करना है। अब मैं इनका टाइम और मनी का रिलेशन बताऊं तो ये टाइम देंगे तो इनकी इनकम होगी, और ये टाइम नहीं देंगे तो इनकी इनकम नहीं होगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब पे जाएगा, अपने वर्किंग आवर फुलफिल करेगा तो उसको सैलरी मिलेगी। अगर वो जॉब पे नहीं जाएगा, अपने वर्किंग आवर और अपना प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा, तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इन कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं उनको बोलते हैं एम्प्लॉय। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये काम करेंगे, ये एक्टिवली किसी भी काम में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनकी इनकम होगी, और अगर ये एक्टिवली किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करते तो इनकी इनकम नहीं होगी। अब सेकंड कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड को हम बोल सकते हैं खुद का मालिक। मतलब इनके ऊपर कोई पर्टिकुलर बॉस नहीं होता इनको गवर्न करने के लिए, इनको ऑर्डर देने के लिए, इसलिए इनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो शॉपकीपर हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, ये सारे आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में। लेकिन इनका भी टाइम और मनी का रिलेशन एग्जैक्टली सेम है एम्प्लॉय से। अगर एक शॉपकीपर अपनी शॉप ओपन करेगा तो उसके पास कस्टमर आएंगे, उसके पास कस्टमर आएंगे तो उसके प्रोडक्ट सेल होंगे, और उसके प्रोडक्ट सेल होंगे तो उसकी इनकम होगी। और अगर वो शॉप ओपन नहीं करेगा तो उसके पास कस्टमर नहीं आएंगे, और कस्टमर नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, और प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो उसकी इनकम नहीं होगी। मतलब यहाँ पे भी उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, उसको जो भी काम करना है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, जब ही उसकी इनकम होगी। सेम केस होता है डॉक्टर के साथ, सेम केस होता है लॉयर के साथ। अगर डॉक्टर अपने क्लिनिक जाएगा तो उसके पास पेशेंट आएंगे तो इनकम होगी। अगर वो डॉक्टर अपने क्लिनिक पे जाएगा ही नहीं तो पेशेंट नहीं आएंगे, और पेशेंट नहीं आएंगे तो उसका रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा, और डॉक्टर की इनकम नहीं होगी। मतलब यहां पे हम समझे तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मनी के। मतलब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो आपके पर्टिकुलर वर्क के अंदर तो आपकी इनकम जनरेट होगी, अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो आपके वर्क के अंदर तो आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी। मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी इन एम्प्लॉय कैटेगरी एंड सिमिलर टू सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। अब हम बात करते हैं बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास कैटेगरी में वो पर्सन आते हैं जिन्होंने अपना खुद का एक सिस्टम क्रिएट करा है, जिन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है, जिससे HR, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटरलिंक है और लोग उनके लिए काम करते हैं। और यहाँ पे इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है मनी के। अगर जो भी बिजनेस क्लास पर्सन है वो वर्क नहीं करेगा तो भी उसकी इनकम जनरेट होगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ रिलायंस फ्रेश के। मान लो आप रिलायंस फ्रेश में कुछ भी परचेस करने जाते हो तो वहाँ पे खुद अंबानी जी आके तो आपको प्रोडक्ट शो नहीं करते, खुद अंबानी जी तो बिलिंग नहीं करते,
वो पूरा सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर रखा है। बिलिंग के लिए एक अलग पर्सन है, वहाँ पे प्रोडक्ट को शो करने के लिए अलग पर्सन है, पूरा मैनेजमेंट संभालने के लिए अलग पर्सन है। मतलब उनका पूरा प्लेटफॉर्म, उनका पूरा सिस्टम क्रिएटेड है, जो कि रिपीटेटिव नेचर में ऑटोमेटेड मोड पे वर्क करता है। अगर अंबानी जी की तबीयत खराब हो जाती है तो भी उनकी इनकम जनरेट होगी, क्योंकि उनके लिए लोग काम कर रहे हैं। उनकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ता कि वो काम पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका एक नेटवर्क काम कर रहा है। और इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। जैसे कि मैं आपको समझाऊं एक्टिव इनकम पैसिव इनकम। सिंपल सी लैंग्वेज में एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जब आप किसी भी काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। एग्जांपल के तौर पे जॉब क्लास पर्सन एक्टिवली इनकम में आते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी एक्टिवली इनकम में आते हैं। अब पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो कि आपकी रिकरिंग रेवेन्यू हो सकती है, जो कि ऑटोमेटेड मोड पे आप कहीं गोवा में चिल कर रहे हो, आप आपके वैकेशन एंजॉय कर रहे हो, फिर भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है। आपने जो सिस्टम क्रिएट करके रखा है, जो आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट करके रखा है, उस पे ऑटोमेटेड मोड पे आपकी इनकम जनरेट होती है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। मतलब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो उस वर्क के अंदर, तो भी आपकी इनकम जनरेट होती है, उसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है इन्वेस्टर। बेसिकली इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। यहाँ पे भी आपकी इनकम डिपेंड नहीं करती आपके एक्टिवली वर्क के ऊपर, और इसीलिए इन्वेस्टर भी पैसिव इनकम अर्न करते हैं। जैसे कि मैं आपको इन्वेस्टर के एग्जांपल दूं तो वॉरेन बफेट, जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपके पास कुछ पर्टिकुलर पैसा है तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे आइडियाज के ऊपर, आप उसको इन्वेस्ट करोगे स्टार्टअप्स के ऊपर, आप उनको इन्वेस्ट करोगे शेयर्स के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो उस अकॉर्डिंग जो भी आपकी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी आपका लॉन्ग लास्टिंग रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम। और इस कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर। मतलब यहाँ पे मनी आपके लिए वर्क कर रही है, जो खुद पैसा है वो आपके लिए और पैसा बना रहा है। सो ये वो चार कैटेगरी थी जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताई थी। सो होप सो ये चार कैटेगरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं आपको एक फिगर बताऊं तो ई और एस कैटेगरी में ऑलमोस्ट वर्ल्ड के 95% लोग आते हैं जिनके ड्रीम कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाते, और बी और आई कैटेगरी में दुनिया के मात्र 5% लोग आते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था। सो होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा आपके लिए ऐसी वीडियोस रेगुलर लाने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।